नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट खबर। रीवा जिले के जनपद पंचायत जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी कला के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ के लोग विकास की किरण देखने को तरस रहे हैं। यह विडंबना है कि आजादी के दशकों बाद यहाँ की जिंदगी उसी जगह ठहरी हुई है जहाँ पहले थी। यहाँ के लोगों के लिए हर दिन एक संघर्ष से कम नहीं है। ना तो कभी सांसद और ना ही विधायक इस क्षेत्र के लिए कभी कुछ सोचते, ना ही ध्यान देते। सरकारें बदलती रही, चुनाव आते जाते रहे, लेकिन इन गरीबों की हालत जस की तस बनी रही। हर बार सिर्फ खोखले वादे और जुमले ही सुनने को मिले। विनाश की ओर बढ़ रहे इस गांव के कर्ता धरता है विधायक दिव्यराज सिंह। जिस तरह से इनके नाम में राज है, उसी तरह इनके क्षेत्र में कई ऐसे गाँव हैं जिनमें व्याप्त समस्याओं का राज अभी दबा हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि चुनाव के वक्त जनता के बीच निहुर जाने वाले ये नेता अपने वादे कैसे भूल जाते हैं और गांव में लोग इन्हें घुसने भी क्यों देते हैं। ठग बन चुके ये विधायक नेता जनता को चूना लगा रहे हैं। बीजेपी कितने भी दावे करे, लेकिन गांव में आज भी वही हालत है जो सदियों पहले थी। कुछ भी नहीं बदला। भले ही सरकार महीने में जनता को सैलरी की तरह 1000-2000 रुपये देती रहे, लेकिन जब मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रही है सरकार, तो ऐसे नेताओं का, ऐसी सरकार का क्या मतलब है। ग्राम पंचायत कोनी कला के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर दर्दनाक है। ना सड़कों का कोई नामो निशान है, ना बिजली की उचित व्यवस्था। पानी की समस्या तो इतनी भयावह है कि लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ के लोग अब उम्मीद खो चुके हैं कि कभी उन्हें भी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की हद तो तब हो जाती है जब वे चुनाव के बाद इस इलाके में झांकने तक नहीं आते। प्रशासन की मानो तो इस क्षेत्र को भुला जा चुका है। सरकारी योजनाएं कागजों में ही रह जाती हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। सरपंच केदार प्रसाद साहू से तो लोगों की उम्मीदें ही खत्म हो चुकी हैं। वे पंचायत के विकास की ओर ध्यान देने की बजाय अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में लिप्त दिखाई देते हैं। पंचायत की बैठकों में विकास की बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं होता। कोनी कला के लोग अब हताश हो चुके हैं। उनके पास अपने भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। वे पूछते हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारे वोट देने के बाद हमारी कोई अहमियत नहीं बचती? आंसुओं से भरी आंखों से और टूटे हुए दिल के साथ वे सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, कब आएगा वह दिन जब हमारे भी जीवन में थोड़ी सी रोशनी दिखेगी। यह कहानी सिर्फ कोनी कला की नहीं, बल्कि उस क्षेत्र के कई गाँव की है जो आज भी विकास की बाट जो रहे हैं, जहाँ की जिंदगी ना जाने कितने सालों से अधेरे में घुटती जा रही है। Thank you.